गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बच्चों स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें चैप्टर 6 स्टार्ट किया लाइंस एंड एंगल्स से। ठीक है, चैप्टर 6 कर लेते एक बार कंप्लीट, उसके बाद में हो सकता है मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दूँ, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सिलेबस कंप्लीट होगा, आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते जिसको रिक्वायरमेंट है, घर रहो, सेफ रहो आराम से और मस्ती से पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल डिटेल पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो लाइंस एंड एंगल्स में हमने कल बेसिक पढ़ा था पहले वाले वीडियो के अंदर, ये सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। बस थोड़ा सा आज के मैं थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम एग्जाम्पल 1 से करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये थोड़ा सा उसके पॉइंट है, वो बाद में पढ़ना है इसको, पहले आप समझो इस चीज़ को। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक लाइन जा रही है, एक दूसरी लाइन जा रही है और वो कहीं पर मिल गए जाके, ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर, ये यहाँ भी मिल सकती है, ये ऐसे भी, मतलब कैसे भी बना लो, यानी कि टू लाइंस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको लाइन का बता चुका हूँ, अगर लाइन है तो वो इस तरीके से डिनोट करोगे आप एरो लगा के। इनफाइनाइटली लेंथ होती है लाइन की, यानी टू लाइंस अगर किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलें, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉमन सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन मान लेते हैं कि ए बी एक लाइन है, एक सी डी लाइन है और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका ओ हो गया, यहाँ मिल रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद आती है सेकेंड थिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होती हैं, तो सिंपल सी बात है कि नॉन इंटरसेक्टिंग यानी जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो आप मुझे एक बताओ, एक लाइन जा रही है, एक दूसरी लाइन जा रही है, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, वो कब हो सकता है? ज़रा कॉमन सी चीज़ एक सोचना आप इस चीज़ को, कि मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे बता देते हैं, मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में आपने क्या किया, इस लाइन के इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क किया, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क किया, 3 सेंटीमीटर पॉइंट पर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क किया और उन सारे पॉइंट को आपने मिला दिया। यानी अगर मैं ये बात करूँ, इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पॉइंट पर, और डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर आपको अपनी हाइट भी मेजर करनी है, ये आप हो मान लो, ठीक है, तो आप अपनी हाइट अगर मेजर करोगे तो कब करते हो, जब आप बिल्कुल ग्राउंड के साथ में सीधे खड़े हुए हो तब आप अपनी हाइट मेजर करते हो इस तरीके से। यानी आप ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। कभी ऐसा हुआ है आपको हाइट मेजर करनी है, आप थोड़ा टेढ़े खड़े हो गए इस तरीके से, बोले कि अब मैंने ऐसे करके खड़ा हो गया, मेरी हाइट मेजर कर लो, तो ये हाइट नहीं होती है आपकी। तो हाइट या डिस्टेंस कभी मेजर करना परपेंडिकुलर होता है। तो इसके बीच में हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मान लो, सपोज करो ये बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये बीच का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम अगर रहेगा तो वो कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ये सारी चीज़ें जो भी बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ इसको कम्प्लीटली नोट करते चलना, अच्छे से डिटेल में पढ़ते चलना, ताकि आपको 10th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिनमें दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। अब मैंने जो लाइन लिखी उसको पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। ये एक कॉमन परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर इस पर भी और इस पर भी, कॉमन का मतलब जो इस पर भी होगा इस पर भी होगा। तो इस कॉमन परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स, इस कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ ये, दूसरे पॉइंट पे भी इसकी लेंथ, तीसरे पॉइंट पे इसकी लेंथ, यानी डिफरेंट पॉइंट पे इसकी लेंथ, ठीक है, ऑन दीज पैरेलल लाइन इज द सेम। वो क्या होती है, सेम रहती है। यानी अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, हमेशा सेम रहने वाली है। और सेकेंड क्या बोल रहा है, दिस इक्वल लेंथ, इस इक्वल लेंथ को बोलते क्या है, इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच को डिस्टेंस बोलते हैं। ये लाइन मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, और अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ ऐड करना है तो कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे का पॉइंट लेके चलता हूँ। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट लेके आते हैं एक्जियोम 6.1। देखो बेटा, कोई भी चीज़ है आप उसको पोज करके वीडियो लिख लिया करो, या समझ लो पहले उसको, फिर बाद में पोज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करके कंप्लीट नोट करना है, ठीक है। एक्जियोम 6.1 क्या बोल रही है, इफ़ आर रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। जो जो बोल रहा है वो करके देखते हैं, समझते हैं इसका मीनिंग, रटने वाली चीज़ कुछ है नहीं। एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे रे स्टैंड कर रही है, यानी इस लाइन के ऊपर एक रे बनी हुई है, ऐसे बना सकते हो,
चाहो तो ऐसे बना सकते हो और चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कैसे भी बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने माना कि एक लाइन हमारे पास ए बी है और इसके ऊपर एक रे है ओ पी। देखो ये लाइन है, दोनों साइड इन्फाइनेटली चल रही है और ये रे है ओ पी क्योंकि ओ इसका एंड पॉइंट हो गया और पी की तरफ वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लाइन हो सकता है अपनी जो ए बी लाइन है इसके ऊपर रे इस तरीके से भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? लाइन ए बी के ऊपर रे ओ पी ऐसे भी हो सकती है। तो अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, वो किसी भी वे में हो सकती है। देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे। क्यों? कॉमन वर्टेक्स ओ, कॉमन आर्म ओ पी और नॉन कॉमन आर्म ओ बी एंड ओ ए आर ऑन डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल हैं इन, ये जो एडजेसेंट एंगल इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। हमें पता है एक लीनियर पेयर भी होता है तो इनका सम क्या निकल के आने वाला है? 180 डिग्री। यानी जो ये दो एडजेसेंट एंगल बने हैं इनका सम क्या निकल के आने वाला है? 180 डिग्री निकल के आने वाला है। ठीक है, यानी डायग्राम में आप कैसे मेंशन कर दो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यानी कि अगर एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे है तो सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होगा। और इसको कन्वर्ज, इसका उल्टा अगर बोलें कि अगर दो एडजेसेंट एंगल, एक एंगल ये एक एंगल ये, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो एक लाइन के ऊपर रे होगी। ठीक है, यानी सिंपल चीज़ है, अगर लाइन के ऊपर रे बनी हुई तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, और अगर सम 180 डिग्री है इन दोनों का तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। सम 180 डिग्री तो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। वही लिखा हुआ है, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन जो रे बनी हुई है आपकी ओ पी ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगी। समझ गए? तो ये हमें उल्टा उल्टा भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे का पॉइंट क्लियर करता हूँ। हाँ जी, एक्जियोम 6.2 क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हालांकि बिल्कुल सिंपल चीज़ आपको पता है ये वाली चीज़। क्या लिखा हुआ है? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मैंने क्या किया, एडजेसेंट एंगल बनाया, एक एंगल ये है और एक एंगल इसके एडजेसेंट है। ठीक है, नाम दे दिया लाइन का ए बी और वही ओ पी रख देते हैं। ये एडजेसेंट एंगल कौन कौन से एडजेसेंट एंगल? तो हमें गिवन क्या है कि एंगल ए ओ बी, ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो ये लीनियर पेयर होगा या नहीं होगा? और लीनियर पेयर, लीनियर वर्ड का मतलब ये है एक लाइन और पेयर मतलब दो। यानी एक लाइन के ऊपर टू अगर एंगल बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर टू एंगल बन गए, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर टू एंगल हो जाते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो 180 डिग्री है, लीनियर पेयर हो गया, दैट मीन्स ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो ए बी स्ट्रेट लाइन होगी। और ये देखो इसके अंदर ध्यान देना इस चीज़ के अंदर कि कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स है ओ। ठीक है, कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म हो गई ओ पी। और नॉन कॉमन आर्म क्या है, नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ बी जो कि अलग अलग साइड में है, ओ ए एंड ओ बी। ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर ऐसा होगा 180 डिग्री तो इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ बी जो आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन, ये ओ ए और ओ बी मिलकर एक लाइन बनाएगी। बात वही है, बार बार कभी इधर से कान पकड़ने को बोल रहा है, कभी इधर से कान पकड़ने को बोल रहा है। ठीक है, चीज़ वही है, हमें समझ में आना चाहिए कि किसी लाइन के ऊपर एंगल जितने भी होते हैं। एक चीज़ को समझ लेना इस चीज़ को, इसको नोट कर लो, एक बार समझा देता हूँ फिर थ्योरम 6.1 पे आएंगे। हाँ जी, कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बना दो इन सब का सम करने पर 180 डिग्री ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 180 डिग्री। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, ध्यान दो इस चीज़ पे कि ये एंगल 1 बना, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और नीचे एक एंगल 4 बना हुआ है और एंगल 5 है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल हैं? 1 2 3,
तो एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल थ्री का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और नीचे वाले दो एंगल है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही बने हुए हैं, इसका मतलब एंगल फोर प्लस एंगल फाइव भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक लाइन पे कितने भी एंगल बन रहे हो सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, काम आएगी, इसको नोट करो, फिर अगली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। हाँ जी, सो अब आपकी आती है थ्योरम 6.1। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत बात है, आना चाहिए कि सर अभी हमने पढ़ा था तो एक्जियोम 6.1 और एक्जियोम 6.2 और अब आगे थ्योरम 6.1। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्जियोम एंड थ्योरम? देखो डिफरेंस ये है कि अगर हमें कोई बात प्रूव करनी हो अपनी, सपोज़ करो कि आपको कोई काम मिला है, मतलब आपको कोई भी चीज़ प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ एविडेंस देना होता है। अगर आपको अपनी बात कोई भी प्रूव करनी है, उसके लिए आपको कुछ एविडेंस देना होगा बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पहले एविडेंस है और हम उसको प्रूव कर सकते हैं तब तो वो होती है थ्योरम, यानी थ्योरम को वी कैन प्रूव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, वही एविडेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आपके पास में कोई फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और वो आप बोलोगे तो ऑब्वियस है यार, होता है इसका क्या फैक्ट निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, यानी उसको बात को, अपनी बात को पता बताने के लिए आपके पास में कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है, और आपके पास नहीं, किसी के पास भी कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है, बस सब मानते हैं कि होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्जियोम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये बात समझ लेना कि अगर किसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास फैक्ट अवेलेबल हैं, यानी जिसको प्रूव कर सकते हैं प्रीवियसली नॉन फैक्ट का यूज़ करके, उसको बोलते हैं थ्योरम, और ऐसी कोई चीज़ जिसको प्रीवियसली नॉन फैक्ट का यूज़ करके प्रूव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं एक्जियोम। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री, वो ऑब्वियस चीज़ है कि आप लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन, आप देखो डी बन होता है हमारे पास में, उसमें स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री तो होता है, तो उसमें क्या प्रूव करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं, समझ गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्जियोम एंड थ्योरम, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्लियर कर लेना। अब देखो क्या है, थ्योरम क्या है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको थ्योरम प्रूव करने का तरीका बताता हूँ कि थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिखने होते हैं, वो समझो। सबसे पहले लिखना होता है आपको गिवन, गिवन कि आपको स्टेटमेंट, देखो पहले सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना होता है, ये इसका स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट याद होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी थ्योरम आपको प्रूव करनी है पहले तो स्टेटमेंट लिखोगे लिखोगे। ठीक है, कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, बता देता हूँ क्या चीज़ है, एक बार थ्योरम को समझ लो फिर तरीके से बताऊँगा, कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है, जानते हो आप लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो हमें प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझे कि अगर हमें गिवन हो कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये तो हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन में से या थ्योरम के स्टेटमेंट में से ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो गिवन क्या है, अब देखो डायरेक्ट आप ये नहीं लिखोगे सिर्फ कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, थोड़ा मीनिंगफुल वे में लिखो, तो आप गिवन में लिखोगे लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट अ पॉइंट। देखो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे करेंगी, एंड लेट पॉइंट ओ, यानी अब डायग्राम बनाओ कि यू आर हैविंग टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, लेट टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये हमें गिवन है। ठीक है, लेट वर्ड क्यों किया, क्योंकि हमें लाइन के नेम गिवन नहीं थे, लेट वर्ड लाइन का नेम अज्यूम करने के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम अज्यूम करने के लिए, राइट। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, तो पहले डायग्राम में बताओ कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, तो मैं नाम देखो, नाम आप इसको कैसे दे सकते हो, आप इसको बी ओ सी भी बोल सकते हो, आप इसको ए ओ डी बोल सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि लिखने में थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज़ें, तो मैंने सिंपल नाम रखा एंगल वन एंड एंगल टू, ठीक है, और एक वर्टिकली अपोजिट ये हो गए
एंगल 3 एंड एंगल 4। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एक एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको प्रूव करना है। मैं ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट लिख दिया, गिवन है वो लिख दिया, डायग्राम बना दिया, टू प्रूफ लिख दिया, अभी तक आपने क्या सॉल्यूशन स्टार्ट किया है इसका? नहीं किया सॉल्यूशन स्टार्ट। अब भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो आपको सिर्फ इतना लिखने पे मिल जाता है, ठीक है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपको इतना तो मिल जाएगा। अगर आपने इतना लिख दिया, अभी तक हमने सॉल्यूशन कुछ नहीं किया है, अब तक हमने सिर्फ इसको देखे कॉपी पेस्ट करा है, बोला टीपा टापी वाला काम किया, सिर्फ इसको देखा और हमने बस इतना लिखा है, हमें सॉल्यूशन अब तक नहीं करा है कुछ भी, फिर भी आपने 1 मार्क्स गेन किया। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तरीके से वाले इन्फॉर्मेशन लिखना प्रॉपर वे में, तो आपको मार्क्स स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। ओके, अब जरा आते हैं प्रूव करना कैसे है, इसको नोट कर लेना एक बार, कि मुझे बीच में इरेज करना पड़ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट और यहाँ तक का तो इरेज करूँगा, ये डायग्राम रहेगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब एक चीज़ बताओ, समझना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना, जल्दबाजी नहीं हमारे पास में, समझ में आना चाहिए। मुझे इस एंगल 1 को एंगल 2 से रिलेट करना है, ठीक है, अब इसको ज़रा साइड में समझ लो पहले कि एक्चुअल में हुआ क्या। एक स्कूल है, आपकी क्लास है, आप ये मान लो कि एक बच्चा बैठा हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है, और एक ये आप हो और ये एक बच्चा और है। मान लीजिए, देखो मुझे 1 को 2 से रिलेट करना है, मुझे 1 और 2 को इक्वल लाना है, मतलब मुझे 1 को किससे रिलेशन बनाना है, 2 के साथ रिलेशन बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, कि सपोज करो कि आपको इसके साथ में फ्रेंडशिप करनी है, 1 को 2 के साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो कैसे करोगे? अब आप इसको बिल्कुल नहीं जानते और ये फ्रेंड हैं आपस में, ठीक है, यानी 3-1 का ऑलरेडी फ्रेंड है और आपको 2 को 1 से फ्रेंडशिप करनी है और आप 3 को जानते हो, यानी कि 3 आपका एक ऐसा बच्चा है जो दोनों का फ्रेंड है, 1 का भी फ्रेंड है और 2 का भी फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं होगा कि देखो धीरे धीरे क्या होगा कि आप 3 के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, ठीक है, चलो नाम लेके कर लेते हैं समझने के लिए, कि सपोज करो आपकी क्लास में एक राम है, आपका नाम मोहन है, ठीक है, और एक अमन आ जाता है क्लास के अंदर, आप और राम फ्रेंड हो, ठीक है, आप और राम फ्रेंड हो और राम और अमन भी आपस में फ्रेंड है। अब आपको अगर अमन से फ्रेंडशिप करनी है मान लो, तो आप देखो आप दोनों बैठ के बातें करते हो कहीं पे, इंटरवल में कर रहे हो, क्लास में कर रहे हो, और ये इसके साथ ही बातें करता है, तो कभी ऐसा मौका भी बन सकता है कि आप लोग तीनों बैठे हों तो राम आपको इससे इंट्रोड्यूस करा देगा और आप तीनों बातें करने लग जाओगे और आप आपस में फ्रेंड बन जाओगे। मतलब कुल मिलाकर हमें कॉमन फ्रेंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें कॉमन फ्रेंड की रिक्वायरमेंट है। अगर कॉमन फ्रेंड हमें पता लग जाए तो हम आपस में रिलेशन का इस तरह से फ्रेंडशिप हो सकती है। यानी मुझे 1 को अगर 2 से रिलेट करना है तो इन दोनों का ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो 1 का भी और 2 का भी, यानी एक ऐसा रिलेशन फाइंड करो कि जिसमें 1 और 2 के साथ में कॉमन चीज़ आ रही हो। एक चीज़ तो दिमाग में ये होना चाहिए। दूसरा, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये थ्योरम है, थ्योरम में आपको फैक्ट्स चाहिए, ऐसा फैक्ट जो पहले से आपको पता हो। इस चैप्टर में आप मुझे बताओ अब तक आपको कौन सा फैक्ट पता है, तो याद रख लेना इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे एक बार बॉक्स में लिख देता हूँ कि थ्योरम को प्रूव, देखो थ्योरम को बेटा कभी रटना नहीं है, थ्योरम्स जो होती हैं उसमें आपके कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 कंसेप्ट काम आएंगे, बहुत सिंपल वे में लिख रहा हूँ। एक तो काम आएगा लीनियर पेयर, क्योंकि इससे पहले हमने लीनियर पेयर ही पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा काम आएगा, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन फ्रेंड। आपको एक कॉमन फ्रेंड फाइंड करना है और रिलेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर पेयर का। अब आप मुझे बताओ, 1 और 2 के पास में आने के 2 रास्ते हैं, क्या तो 1 3 को अपना फ्रेंड बनाए और 2 और 3 आपस में फ्रेंड हों, ठीक है, तो 1 3 और 2 3 मिलके आपस में मिल जाएंगे, एक तरीका तो ये है, या फिर ये हो सकता है 1 और 4 और 2 और 4। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा डिटेल में बता देता हूँ एक बार सारी चीज़ें, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1 और 3 में कोई लीनियर पेयर का रिलेशन है, बिल्कुल लीनियर पेयर का रिलेशन, बिको तो आप लिखोगे क्या कि एज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एज ए बी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन आपने लिया है, गिवन है, लाइन है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम
वन प्लस थ्री क्या होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन। दूसरी बात, ये सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन है। देखो मैं वन से थ्री के पास गया हूँ, मुझे कॉमन फ्रेंड थ्री फाइंड करना है, ठीक है, तो टू और थ्री के बीच में तो लीनियर पेयर बन गया, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो आप लिखोगे एंड सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सी डी जब स्ट्रेट लाइन है तो टू और थ्री का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री। और एक काम कर लेना, यहाँ पे इसके ब्रैकेट में भी लिख दो लीनियर पेयर, और इसके ब्रैकेट में भी लिख दो लीनियर पेयर, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, 180 डिग्री ये भी है और 180 डिग्री ये भी, दोनों चीज़ें सेम हैं, तो जब आर एच एस सेम होंगे दोनों इक्वेशन में, आर एच एस जब सेम है तो एल एच एस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, एल एच एस सेम रख दो, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, थ्री से थ्री कट गया, दोनों साइड में है, इसका मतलब एंगल वन किसके इक्वल आ गया, टू के, यानी थ्री कॉमन निकल गया दोनों में, एंगल वन एंगल टू मिल जाएगा आपको, ठीक है। किसी के मन में ये आ रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे, कि सर मैं थ्री को कॉमन फ्रेंड नहीं बनाना, मैं तो फोर को बनाना है, तो मुझे बताओ क्या वन और फोर का सम 180 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है, वन और फोर का सम भी क्या है, 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। तो एंगल वन प्लस एंगल फोर 180 डिग्री है, और फोर और टू का सम भी 180 डिग्री है, ये भी लीनियर पेयर है। तो एंगल टू प्लस एंगल फोर का सम भी 180 डिग्री है। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे वन प्लस फोर इक्वल टू टू प्लस फोर, फोर से फोर कटा, यहाँ से भी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आ जाएगा, यानी आपकी मर्जी आप कॉमन फ्रेंड किसको बना रहे हो, समझ गए ये वाली चीज़। तो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। सिमिलर वे में इसको भी नोट कर लेना एक बार साइड में बॉक्स बना के, ठीक है, जो भी जिस तरीके से लिखता चल रहा, पोज कर करके बीच में नोट करते रहना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कब क्या लाइन लिखनी है, ठीक है, इसको पोज करके लिख लिया, अब आगे चलते हैं। अब एक बार बताना, अभी हमें ये वाली चीज़ तो हो गई, मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए। हाँ जी, तो डायग्राम हमारा था ये, देख लेना अगर लाइन का नाम वाम चेंज हो जाए तो, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ए बी स्ट्रेट लाइन, हाँ ठीक है, ऐसा ही था। हाँ जी, अब मुझे थ्री और फोर में रिलेशन बनाना है, मुझे थ्री और फोर में रिलेशन चाहिए, तो कॉमन फ्रेंड आप वन को भी बना सकते हो या कॉमन फ्रेंड टू को भी बना सकते हो। अब तो आपको समझ में आ गया कैसे बना सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कंसेप्ट यही काम आने वाला, लीनियर पेयर और कॉमन फ्रेंड। तो आप क्या लिखोगे, मुझे थ्री और फोर में चाहिए तो मैं वन को कॉमन फ्रेंड बना रहा हूँ, दोनों तरीके से नहीं बताऊँगा, एक को ही कॉमन फ्रेंड बना लेते। अब आप मुझे बताओ ये फोर और वन का सम 180 डिग्री होगा, तो आप लिखोगे एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वन प्लस एंगल फोर 180 डिग्री, ब्रैकेट में डाल दो लीनियर पेयर। ऐसे ही थ्री और वन भी सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपस में लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। एंड एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर थ्री डालो, इक्वेशन नंबर फोर डालो, ठीक है, फ्रॉम थ्री एंड फोर आर एच एस इक्वल है, एल एच एस इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल थ्री, वन से वन कट गया, कॉमन फ्रेंड ने कुर्बानी दे दी यहाँ पे अपनी, और एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री आ गया आपका, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो थ्योरम में कुछ नहीं है बच्चों, वाली थ्योरम में एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट काम आएगा और दूसरा आएगा कॉमन फ्रेंड का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको करना क्या है, दोनों वीडियो लेक्चर, जो अभी सेकंड वाला वीडियो लेक्चर से जिसने स्टार्ट किया वो फर्स्ट वाला जरूर देख ले, उसके बाद में कल से एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, और हम स्पीड ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, कम भी नहीं रखेंगे, आपका आराम से चैप्टर हो जाएगा और ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना और इसको प्रूव करके देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आती है एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट क्लास में।